मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में सीधा सा फर्क ये होता है कि जब आप एक से दूसरी चीज में जो चेंज है वो फिजिकल चेंज दिखा रहे हो या केमिकल। अगर आप दिखा रहे हो फिजिकल चेंज तो मेड ऑफ होगा, अगर आप दिखा रहे हैं केमिकल चेंज तो मेड फ्रॉम होगा। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क क्या होता है मैम? फिजिकल चेंज होता है जो बारी बारी तरीके से चेंज हो गया, इंटरनल प्रॉपर्टीज सेम है। केमिकल चेंज होता है जो अंदर बाहर से टोटली चेंज हो गया। जैसे एक दिन पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दूध से घर पे मदर्स दही बना देती हैं बैक्टीरिया की मदद से, है ना। दूध से क्या बन गया? दही बन गया। तो टोटल चेंज हो गया, इनसाइड आउट चेंज हो गया, पूरी तरह से दूध बदल गया। अब कुछ भी कर लो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। तो इररिवर्सिबल चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस के लिए आता है मेड फ्रॉम। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, इस तरीके से। अब मेड ऑफ कैसे होता है मैम? जैसे ये पेन प्लास्टिक से बना है, ये जो मेरे हाथ में पेन है जो मैं इस पैनल पे यूज करती हूँ, ये प्लास्टिक और मैग्नेट होता है थोड़ा सा इसमें, तो प्लास्टिक की मदद से इसे बनाया गया है। अब ये प्लास्टिक की मदद से बनाया तो ये टूट जाए फूट जाए, प्लास्टिक तो प्लास्टिक रहेगा। तो ये है रिवर्सिबल चेंज, इसका इनसाइड आउट चेंज नहीं हुआ है, बाहरी शेप शेप चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज प्लास्टिक वाली हैं अब भी और रहेंगी तब भी। तो इसे कहते हैं फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज के लिए लगाना होता है मेड ऑफ। जैसे दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ऐसा नहीं बोलेंगे दिस पेन इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, हम बोलेंगे दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक।